मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल? ऑसम. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अनदर न्यू पोयम. द नेम ऑफ द पोयम इज विंड. इसको बहुत लोग विंड पढ़ते हैं, बहुत लोग वाइंड पढ़ते हैं. दोनों में से सही प्रोनाउंसिएशन कौन सा है? दोनों ही सही प्रोनाउंसिएशन है. विंड ब्रिटिश एक्सेंट है, वाइंड अमेरिकन एक्सेंट है, तो दोनों ही एक्सेंट सही है. अब इसको विंड भी पढ़ सकते हैं और वाइंड भी पढ़ सकते हैं. ऑलराइट, सो इसके जो ऑथर हैं, जो पोइट हैं, सॉरी, जिसको पोइट हैं, और सुब्रमण्य भारती हैं. बेसिकली वो ये जो पोएम है, ये इन्होंने पहले तमिल लैंग्वेज में लिखा था, तो इसको ट्रांसलेट किया है एके रामानुजन ने. किसने किया है? एके रामानुजन ने ट्रांसलेट किया इसको इंग्लिश में. बेसिकली है क्या है, किसके बारे में है जो पोएम है विंड? ये दिखाया है विंड के पावर को दिखाया है, और हम लोग विंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और एक तरीके से मेटाफर भी है, एक तरीके से सिंबल भी दिया है कि विंड ऐसा अगर हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और जो डिफिकल्टीज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वे केवल उनको ही परेशान करते हैं जो लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. तो इसी चैप्टर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द विंड ब्लोस स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. कह रहा है कि जो हवा है, जो विंड है, वो बहुत तेजी से बहता है, ब्लो करता है, और मेजर डिस्ट्रक्शन भी लाता है. मेजर डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? बर्बाद करने वाला. जैसे कई बार आंधी आता है, तूफान आता है बहुत जोरों से, तो ये कई बार जो प्रॉपर्टी होती है उसको बहुत नुकसान करता है, और ये कभी कभी कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है. कंस्ट्रक्शन मतलब कि इसके वजह से जो काम बन जाए, जैसे हवा चलता है तो बहुत सारे फसल के लिए अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा होता है. जैसे गर्मी में अगर बहुत हवा चल रहा है धीरे धीरे, तो हम भी इसको एंजॉय करते हैं. सो कह रहा है, हाउ कैन यू मेक फ्रेंड्स विद इट. कह रहा है कि इसको कैसे फ्रेंड बनाए. क्यों कह रहा है पोएट कि इसको फ्रेंड बनाने के लिए? क्योंकि जब कोई हमारा दोस्त बन जाता है तो हमें कम नुकसान पहुंचाता है. तो कैसे, आइए पढ़ते हैं. तो बात करता है, और जो पोएट है वो विंड से बात करता है और बोलता है, विंड कम सॉफ्टली. उससे बोलता है, ये हवा थोड़ा आराम से बहो या धीरे धीरे ही बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. और इसे रिक्वेस्ट करता है कि जो विंडो का जो शटर होता है, जिससे खिड़कियां जो होती हैं, जो बंद करने वाले जो शटर्स होते हैं, उसको ब्रेक मत करो, इतनी जोर से मत बहो कि वे टूट जाए. डोंट स्कैटर द पेपर्स. और इतनी जोर से मत बहो कि पेपर्स जो रखे हुए हैं वो सारे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और जो भी शेल्फ में बुक्स रखी हुई हैं उसको मत नीचे गिराओ. इससे क्या होगी, इससे परेशानी हमारी बढ़ेगी, हो सकते हैं बुक्स फट जाएं. तो ये सब काम मत करो. बेसिकली इन सब लाइनों से दिखा रहा है ऑथर, सॉरी पोएट, कि जो विंड कितना पावरफुल होता है. देयर लुक व्हाट यू डिड. और बोलता है पोएट कि देखो, वो देखो तुमने क्या किया. यू थ्री ऑल देम डाउन. कह रहा है कि तुमने इन सब चीजों को तुमने फेंक दिया, नीचे गिरा दिया. किसको फेंक दिया? विंडो को तोड़ दिया, पेपर को बिखेर दिया, और बुक्स को भी तुमने सेल्फ से नीचे गिरा दिया. अगेन यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. टोर मीन्स क्या होता है? फाड़ना. टियर टोर टोन ये वर्ब का फॉर्म होता है. तो देखो तुमने किताब का, जो किताब के पेजेस होते हैं उसको भी तुमने फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन. और ये देखो तुमने फिर से बारिश ला दिया. बारिश कैसे लाता है? जो बादल होते हैं उसको अपने साथ बहाता है और फिर बादल की वजह से बारिश होता है. तो ये सारे जो स्टैंजा है, जो वो है, इसमें बात करता है ऑथर, पोएट, सॉरी मैं बार बार ऑथर बोल रहा हूँ, पोएट उसको बात करता है इवेंट से, ये देखो तुमने क्या कर दिया, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि ये सब चीजें मत करो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. पोकिंग फन क्या होता है? पोकिंग फन में तो होता है किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक
उड़ाना। और वीकलिंग मतलब क्या होता है, वीक मतलब कमजोर, वीकलिंग्स मतलब कि जो कि बहुत ही कमजोर होते हैं। कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, बहुत अच्छी लाइन है। बोल रहा है ऑथर कि तुमको कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है, तुम केवल उन्हीं का नुकसान पहुंचाते हो जो कि बहुत कमजोर होते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स क्या होता है, कमजोर, क्रम्बलिंग टूटे हुए हाउसेस को, जो टूटे हुए हाउस होते हैं उसको तुम नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो डोर्स होते हैं कमजोर टूटे हुए उनको तुम नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स एक तरह का सपोर्टिंग बीम होता है उसको भी तुम नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग वुड, वुड को, बॉडीज को भी, जो बहुत कमजोर होते हैं बॉडीज उसको भी तुम नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग लाइफ, तुम कई बार जिंदगी बर्बाद करते हो और कभी कभी तो तुम दिल भी तोड़ देते हो लोगों का। जैसे होता है ना जब बहुत आंधी तूफान आए तो लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो ये बता रहा है कि ये सब चीजें तुम करते हो क्योंकि तुम हमेशा ही कमजोर लोगों को ही नुकसान पहुंचाते हो, ऐसा क्यों करते हो। द विंड गोट विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। विनोस एक तरह का प्रोसेस होता है, जैसे गांव में जो महिलाएं होती है ना उसको साथ फटकना बोलते हैं। एक तरह का फैन चलता है और ऊपर से अनाज गिराते हैं जिससे अनाज नीचे गिर जाए और जो छिलका होता है दूर जाके गिर जाए, एक तरीके का फिल्ट्रेशन होता है। तो वही कह रहा है कि तुम क्यों विनोस करते हो, जो विंडो गॉड होते हैं, एंड क्रशेज देम ऑल, और सबको तुम क्रश कर देते हो, सबको तुम बर्बाद कर देते हो, जो भी कमजोर होते हैं इधर का तुम उधर कर देते हो, फिर तुम विनोस की तरह सबको उठा के फेंक देते हो और सबको बर्बाद कर देते हो। फिर यहाँ तक तो था ये बात कर रहा था विंड से, अब ये रीडर से बात करता है, मतलब कि ये हम लोगों से बात करता है इस वाले स्टैंडर्ड से। फिर वो हम लोगों से बोलता है ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। अभी तक इसने रिक्वेस्ट किया पोएट ने कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन इतना सब कुछ बात करने के बाद भी विंड नहीं सुनता है। तो जो पोएट है हम उसे बोलता है ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, या वह नहीं करेगा जो तुम बोलोगे, वो बिल्कुल नहीं मानेगा हमारी बात। तो सो करना क्या है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रोंग होम्स। कहता है कि कोई बात नहीं, जब विंड हमारी बात नहीं मान रहा है तो हमें ही रिस्पॉन्सिबल होना होगा, हमें ही कुछ अपने लिए करना होगा। तो क्या करना होगा, सो कम आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ और एक मजबूत घर बनाते हैं। मजबूत घर क्यों बनाएंगे, क्योंकि कितनी भी जोर से हवा चलेगा तो हमारा घर बर्बाद नहीं होगा, टूटेगा नहीं, खिड़कियाँ नहीं टूटेगी, दरवाजे नहीं टूटेंगे। तो आइए खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो विंड नाम की जो प्रॉब्लम है इससे लड़ते हैं। तो क्या करते हैं, लेट्स ज्वाइंट द डोर फॉर्मली, तो जो डोर होता है उसको मजबूत बनाए और बहुत ही मजबूती से उसको बंद करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और बॉडी को फॉर्म रखें, मतलब कि स्थिर रखें, बहुत कठोर रखें। तो बेसिकली कहना ये चाहता है कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं तो उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको उससे रिक्वेस्ट नहीं करना है, हमको हमको विक्टिम प्ले नहीं करना है, हमको खुद को मजबूत बनाना है, खुद ही लड़ना है प्रॉब्लम से। एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मतलब होता है कि मतलब थोड़ा मजबूत बनाए उसको, तो अपने दिल को भी मजबूत बनाए और लड़े इस प्रॉब्लम से, लड़े। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, करा कि ये सब करो उससे लड़ो, तो क्या होगा, इससे जो है विंड है हमारा दोस्त बन जाएगा। दोस्त कैसे बनेगा कि जब हम उसे लड़ना सीख जाएंगे उससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो जब वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एक तरीके से हमारा दोस्त हो गया, क्योंकि दोस्त क्या होता है, दोस्त हमारा नुकसान कभी नहीं करते हैं। फिर कह रहा है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, बहुत अच्छा लाइन है कि जो विंड होता है या जो प्रॉब्लम होती है लाइफ की, जो भी डिफिकल्टी होती है, वे केवल उनको ही परेशान करते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, जो बहुत ही कमजोर होते हैं, जो डरते हैं प्रॉब्लम से। वही कह रहा है कि द विंड ब्लोस आउट वीक फायर, जो बहुत ही कमजोर आग होते हैं, जैसे अब माचिस की तिल्ली है, आपने उसको जलाया, थोड़ा सा भी आपने फूंक मारा, विंड ब्लो किया तो वो बुझ जाता है क्योंकि वो कमजोर होता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर हम कमजोर होते हैं तो डिफिकल्टीज हमारे ऊपर चली जाती है, हम उससे क्या बोलते हैं ओवर नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या करना, वी शुड नॉट टेक एक्शन एंड बी मोर रिस्पॉन्सिबल।
ही मेक्स स्ट्रोंग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, यस। और क्या करता है, एक कमजोर आग को तो बुझा देता है, लेकिन जो स्ट्रोंग फायर होते हैं, जो बड़े बड़े आग होते हैं, उसको जब हवा चलता है तो क्या होता है, वो आग और बढ़ जाता है। यस, तो यही है इस पूरे पोयम का जिस्ट, कि अगर आप स्ट्रोंग होंगे तो ये जो विंड है या फिर कोई डिफिकल्टी है, ये आपका बेटर वर्जन सामने लेके आएगा। तो हमें भी मजबूत होना होगा, हम जब मजबूत रहेंगे तभी जो डिफिकल्टी है खुद हमारा साथ देगा। क्लियर है? हाँ सर, मजा तो आ रहा है बहुत। यस, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कि इसकी दोस्ती अच्छी है। हमको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको ऐसे एडवेंचर में, उसको ऐसे ना बोले कि ये प्रॉब्लम है, हम उसको कहें कि ये तो एडवेंचर है, इसको खेलेंगे, लड़ेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो उसको ऐसे लेके चलना है, ठीक है। सॉरी। तो इसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, विंड की है, किसी प्रॉब्लम की, किसी डिफिकल्टी की। वी प्रेज हिम एवरी डे, और जब हम इसको दोस्त बना लेंगे, जब हमारा जब दोस्त बन जाएगा तो क्या होगा, कि अगर मजबूत बनेंगे, जब हवा चलेगा तो हमको सुकून पहुंचाएगा, हमारे बॉडी को ठंडक देगा। वैसे ही जब हम बहुत मजबूत हो जाएंगे तो कोई भी परेशानी आए, कोई भी डिफिकल्टीज आए हमारी लाइफ में, कोई भी सेटबैक आए, तो उसे हम लड़ लेंगे। तो कैसा लगा पोएम आपको? तो यही पोएम है विंड के बारे में। आप भी इसमें कुछ लाइफ के बारे में सीखिए और इसको अप्लाई कीजिए।